आप देखिए डालरा। अभी लोगों को बताते हुए डालरों का क्या हिस्सा है, देखो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातो। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन सोशल वर्कर। मेरा एक सपना था मेरे भाई, किसी को डॉक्टर बनाऊंगा तो किसी को इंजीनियर बनाऊंगा, किसी को वकील बनाऊंगा तो किसी को आईपीएस बनाऊंगा, किसी को स्कूल बनाऊंगा तो किसी को मदरसा बनाऊंगा। सिर्फ मेरे भाई ये स्कैनर पे मेरी मदद कर दीजिए भाई। जैसा फलस्तीन के नाम से 75 करोड़ रुपये आप लोगों मेरे को दिए, मगर रास्ते के हिसाब नहीं बताया। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, किसी को भी पैसे दे रहे तो आज सोच समझ के दीजिए। जैसा फलस्तीन के नाम से 75 करोड़ रुपये खा लिए, कौन कितने पैसे खाया मालूम, अगर आज तक हिसाब नहीं बताए। एक हैदराबाद का मशहूर चंदा चोर है, ऐसा टांग रख के बुलडोजर पे बोल रहा हूँ कि कहते इसको चंदा देना कहते। अरे चंदे चोर, तू बता ज़मीन कहाँ है वहाँ पर जब तेरे को चंदा देते। अरे तेरा काम यही छेगा दोनों लोगों का। अरे दोनों मिल गए, अरे चंदे चोरा मस्जिदों के नाम से खा रहे, बेवाओं के नाम से खा रहे, मदरसे के लोगों से खा रहे, अरे कैंसर पेशेंट के ऐसे खा रहे, इमोशनल वीडियो बना रहे क्या, दो खो जेल को जाके आना रहे। अरे वो ज़मीन की जो वीडियो बना, कहाँ की ज़मीन है मालूम, यही ज़मीन है वो सुना। अरे ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, किसी के बाप की नहीं है। अरे तू बोल रहा क्या, अरे अरे क्या बोल रहा तू, तू जो वीडियो बना यार लोगों को पैसे दो, रहा ज़मीन का सर्वे नंबर बता, क्या रजिस्टर्ड है या गवर्नमेंट है या कोई कब्जा करे तेरे साथ गुंडे, तेरे को चंदा दियो बोले तो कहीं को देंगे बेटे। पहले ज़मीन का बता तो सर्वे नंबर का है, उसके बाद लोग देंगे। अभी तक तू फलस्तीन के साथ नहीं बताया, वो क्या बोल रहा हो, जड़े वो मोटा हो गेंडा 9 महीने की प्रेगनेंट औरत घर में घुस के मारती, घर में घुसने वाले बेटे घर में घुसा तो फिर निकलता नहीं, क्योंकि हैदराबाद में 1.5 से 2 किलो के भगोने हैं लोगों ने, निकाल के फखा फक देते चेहरे पे उतर जाना तेरा। अरे खैंची से तेरे मेंढे के जो बाला है ना बेटे, वो भी अकड़ निकल जाना सुना। अब तेरे को बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ सुना, चंदे के पैसे में जीने वाले आने वाले दिनों में पब्लिक तुम लोग कुत्ते के साथ होंगी सुना। साम्य दोनों चंदा चोरों को एक ऑफर दे रहा हूँ मैं। अरे मोटे तेरे को बोल उस्मानिया में अच्छा जॉब दिलाता हूँ, टॉयलेटा साफ कर ले। अरे वो 1.5 फसली के तेरे को नीलोफर हॉस्पिटल में दिलाता हूँ, वॉचमैन की नौकरी, अच्छे पैसे कमा ले। मगर किसी का पैसा खाएंगे लाचार का बेवा का कभी खुश न रहेगा। तू चोर बना, तेरा बाप भी आ गया है फील्ड में, याद रख आने वाले दिनों में पब्लिक चप्पलों से मारेंगे। कैसा मारेंगे मैं बताऊंगा, ये ज़मीन कहाँ है किधर है तू मेरे को लोकेशन बता, सर्वे नंबर बता, जब लोगों से पैसे मांग। खाली स्कैनर डाले तो क्या लोग बेखूब समझ रहे, पब्लिक हुशार हो गई। मैं पब्लिक से अदबन गुजारिश करता हूँ, आपके मेहनत का पैसा मेरे भाई देख समझ के इस्तेमाल करो, चाहे मदीज हो मस्जिद हो मदरसा हो स्कूल हो कहीं भी हो हॉस्पिटल हो, आप तहखी खात करके दीजिए। हमारे पैसों से ये लोग मोइनाबाद में कई एकड़ों का फार्म हाउस लेके वहाँ पर अय्याशों का अड्डा बन चुका है वहाँ पर। अब बताऊँगा आने वाले दिनों में लोगों की क्या हालत होने वाली है। आप देखिए डालरा। अभी लोगों को बताते हुए डालरों का क्या हिस्सा है, देखो
स्टॉप करो।